इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले 100 डेज इन माइनक्राफ्ट, वो भी एक क्राफ्ट पे जिसके चारों ओर केवल ओशन है, यानी हमें बेसिक रिसोर्स भी आसानी से नहीं मिलने वाला। और इसके साथ ही हमें कुछ टारगेट को भी कंप्लीट करना है, और ये सब हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। ना, मैं मजाक कर रहा था, हम लोग हार्डकोर नहीं खेलने वाले, तो इन्जॉय। वर्ल्ड को ज्वाइन करते ही हम लोग स्पॉन हुए थे एक राफ्ट के ऊपर। हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरा भाई। राफ्ट पे दो बैरल लगे थे जिसपे से मुझे कुछ सेपलिंग, वुड, डर्ट, फिश, केल्प और एक फिशिंग रॉड मिल जाता है। मैं राफ्ट के साइड में डर्ट को प्लेस करता हूँ और सारे सेपलिंग को प्लांट कर देता हूँ। सेकेंड वाले बैरल में एक बुक रखा था जिसमें कुछ तो लिखा था, साथ में एक कोऑर्डिनेट भी लिखा था, तो इस कोऑर्डिनेट पे हम लोग बाद में जाएंगे। जो वुड हमें मिला था उसका मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। हम लोग ओशन के अंदर थे और अंदर वाटर माइन करने के लिए हमें गेट चाहिए था ताकि हम सांस ले सकें, तो मैं अपने छोटे से राफ्ट को और छोटा कर देता हूँ और गेट बनाता हूँ। फिर मैं गेट को लेकर अंदर वाटर एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ। थोड़ी दूर पर मुझे एक संकन शिप मिला जिसमें से मुझे कुछ आयरन, गोल्ड और लेपिस मिला, और शिप से मैं थोड़ी सी वुड भी चोरी करता हूँ। शिप में मुझे एक और चेस्ट मिला जिसमें से मुझे कुछ बुक और पेपर मिल जाता है। फिर मैं राफ्ट पे वापस आने लगता हूँ और तभी देखता हूँ कि राफ्ट के नीचे एक और बैरल था जिसमें सारे वुड टाइप के सेपलिंग, एक सुगर कैन, बम्बू, स्वीट बेरीज और एक ग्रास ब्लॉक था। फिर मैं आयरन के कुछ टूल्स बनाता हूँ और बेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें डर्ट चाहिए था, तो मैं डर्ट ढूंढने निकल जाता हूँ। डर्ट तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन हम लोग ग्रेवल का यूज करके डर्ट बना सकते थे, तो मैं डर्ट बनाने के लिए थोड़े से ग्रेवल कलेक्ट करने लगा। लेकिन मुझे तभी आयरन मिल जाता है तो मैं उसे ले लेता हूँ और साथ में कुछ ग्रेवल भी कलेक्ट कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ। रात भी हो गई थी और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भाई फिशिंग करने लगा, और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं फिर से एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। राफ्ट के पास ही मुझे एक एमिथिस्ट ब्लॉक का केव मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे एक बॉडीगार्ड था तो मैं जान बचा के भाग जाता हूँ। फिर थोड़ी ही दूर पर अंडर वाटर से लाइट आ रही थी तो मैं जाके देखता हूँ तो वो पानी वाले जोम्बी का घर था। वहाँ पे थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करता हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी चेस्ट नहीं मिला। फिर मैं राफ्ट पे वापस आता हूँ और देखता हूँ कि मैं ड्राउंड का घर लूटने गया था तो ये हमारा राफ्ट लूटने के ही चक्कर में पड़ा था, तो मैं उसे मार के खा जाता हूँ। और अभी तक भाई फिशिंग ही कर रहा था। फिर मैं पानी के अंदर माइनिंग करने के लिए एक माइन बनाने लगा और तभी ड्राउंड की पूरी फैमिली ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैं अपने जान बचा के राफ्ट पे भागा, मैं बस 1.5 हार्ट पे बचा था। फिर मैं बैरल से फिश लेके खाता हूँ, लेकिन इससे केवल मेरा हंगर बारी फूल होता है, तो मैं भाई से खाने के लिए फिश मांगता हूँ, लेकिन इस गधे के पास भी फिश नहीं था जबकि इसने रात भर फिशिंग करी थी, तो मुझे फिर मछुआरा बनना पड़ा। इसके बाद मैं फिर से माइन कंप्लीट करने गया, लेकिन ये फिर से पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं फिर से भागता हूँ। इसके बाद मैं माइनिंग करने लगा और मुझे थोड़े से कोल मिले तो मैं उसे कलेक्ट कर लिया, और राफ्ट पे वापस आके मैं एक फेंस बनाता हूँ और पानी के अंदर से थोड़े से केल्प तोड़ के लाया और उसे खाने के लिए कुक किया। अब मैं गंदा से दिखने वाला केल्प खा के हेल्थ फुल कर रहा था और फिर से माइनिंग करने लगा। इसमें मुझे कुछ आयरन मिला और साथ में कुछ ग्रेवल और डर्ट भी मिला, तो बेस एक्सपेंड करने के लिए मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं राफ्ट पे वापस आ गया और मेरे पास जितने भी आयरन थे सबको स्मेल्ट करके बहुत सारे टूल्स बनाया, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टोन की जरूरत थी, क्योंकि हमें एक माउंट ग्राइंडर बनाना था जिसमें से हमें बहुत सारे रिसोर्स मिल सकते थे। तो फिर हम दोनों भाई माइनिंग करने चले जाते हैं और जाते ही भाई को डायमंड मिल जाता है और डायमंड के नीचे गोल्ड भी था, तो मैं उन सबको माइन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं स्टोन माइनिंग करने लगा, इसमें मुझे डायमंड और गोल्ड भी मिल रहा था, और अभी तक मेरे पास 8 डायमंड हो गया था। इसके बाद मुझे जितने भी डायमंड मिलते मैं सारे डायमंड को फॉर्चून 3 से माइन करने के लिए छोड़ देता। जब हमारा सारा पिकैक्स टूट गया तो हम लोग राफ्ट पे वापस आ गए। वापस आके मैंने सारे ट्री को चॉप किया और मॉब फार्म बनाने के लिए जितने भी मटेरियल्स थे उसको कलेक्ट करने लगा। डे 5 को मैं मॉब फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। इसे बनाने के लिए मैं डीप स्लैट का यूज कर रहा था, लेकिन फार्म कंप्लीट भी नहीं हुआ और सारे स्टोन खत्म हो गए, तो मैं फिर से माइनिंग करने चला गया। माइनिंग में मुझे और भी गोल्ड और डायमंड मिल रहे थे, लेकिन मैं उन सारे डायमंड को फॉर्चून 3 से माइन करने के लिए छोड़ देता हूँ। मेरे पास स्टोन तो हो गए थे, लेकिन फिर मैं वापस आने का रास्ता ही भूल गया। फिर मुझे किसी तरह रास्ता मिला और मैं वापस आके मॉब फार्म को कंप्लीट करने गया तो मेरे पुराने दोस्त आ गए। तो दोस्तों से मुकालात खत्म करने के बाद मैं फार्म को कंप्लीट करना शुरू कर दिया और भाई प्लेटफार्म को एक्सपेंड करने लगा। डे 7 तक मॉब ग्राइंडर कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको ग्राइंड करने के लिए इसमें मॉब ही नहीं स्पॉन हो रहे थे, लेकिन ये स्पॉन हो रहे थे, और हमारे पास सोने के लिए भी कुछ नहीं था तो ये हमारे पीछे ही पड़े थे। मॉब फार्म तो काम कर रहा था, लेकिन ये इतना स्लो था कि इससे हमें ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिलने वाला। डे 8 हो गया था और अभी तक हमारे पास खाने के लिए कोई फूड सोर्स नहीं था, हम केवल केल्प खा के जिंदा थे। तो फिर हम लोग ओशन एक्सप्लोर करने चल देते हैं। राफ्ट से थोड़ी दूर पर एक हमें बड़ा सा आइलैंड मिल जाता है। आइलैंड पे एक संकन शिप था जिसमें से मुझे कुछ पोटैटो, व्हीट, रेटन फ्लैश और एक सस्पिशियस ट्रू मिला। सस्पिशियस ट्रू को देख के मेरे अंदर चुल मचता है
तो मैं उसे खा जाता हूँ और मुझे पॉइजन इफेक्ट मिल जाता है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी में रेटन फ्लैश खा गया और अब पॉइजन के साथ हंगर भी था। सिप पे एक और चेस्ट था जिसमें एमराल्ड के साथ कुछ और भी आइटम थे। अब हमारे पास खाने का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन हमें सोने के लिए बेड चाहिए था। तो मैं आइलैंड पे सिप ढूंढने लगा, लेकिन इस आइलैंड पे कोई भी एनिमल ही नहीं स्पॉन हो रहे थे। और आइलैंड पे मुझे एक और सिप मिला जिसमें बस कचरा था, लेकिन एक और सस्पिशियस ट्रू था, तो मैं उसे भी खा गया और फिर से मुझे पॉइजन ही मिला। वहां से मुझे कुछ और पेपर और आयरन मिले और फिर से रात हो गई और मेरे पुराने दोस्त फिर से आ गए और मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं उनसे बच के भागने लगा, लेकिन अफसोस मैं बच ना सका। और इतना भी काफी नहीं था तो मैं मॉब फार्म के अंदर स्पॉन हो गया, जिसमें मॉब भी स्पॉन नहीं हो रहे थे। फिर मैं किसी तरह मॉब फार्म के बाहर आया और बोट लेके फिर से आइलैंड पे गया और अपना सामान ढूंढने लगा। अच्छी बात यह थी कि मैं ज्यादा दूर नहीं गया था और मुझे रास्ता भी याद था। सुबह होने के बाद मैं ग्रास तोड़ के थोड़े से वीट सीड्स कलेक्ट किया और स्ट्रिंग के लिए कुछ स्पाइडर को मारा और फिर डर्ट कलेक्ट करने लगा। और भाई तो पहले से भी डर्ट माइन कर रहा था। 12 की रात को हम लोग वापस आ जाते हैं। फिर मैं एक हो बनाया और बोन मिल का यूज करके थोड़े से पोटैटो ग्रो किया और उसे खाने के लिए कुक किया। 13 को हम लोग बेस एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। डे 15 को मैंने एक फार्मिंग एरिया बनाया और सारे बचे हुए पोटैटो और वीट सीड्स को प्लांट कर दिया। इसके बाद चेस्ट से डायमंड लेके मैंने डायमंड का पिकेक्स बनाया और फिर हम लोग माइनिंग करने चले गए। इस बार माइनिंग ज्यादा सक्सेसफुल था, इसमें मुझे बहुत सारे आयरन, कोल और डायमंड मिला। और भाई को लावा पुल भी मिल गया, तो उसने थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लिया। मुझे एक माइनशाफ्ट मिला, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहां से मुझे थोड़े से आयरन, गोल्ड और सबसे जरूरी चीज स्ट्रिंग मिला, जिसका हम लोग बेड बना सकते थे। तो मैंने सारे स्ट्रिंग को कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगा और मुझे 8 का एक डायमंड का वेन मिला। माइनिंग करते समय मुझे एक केव मिला, वहां पे मेरा स्वागत करने के लिए एक क्रीपर भाई साहब थे और वो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं वहां से जान बचा के भागा और अंधेरे में एक गड्ढे में गिर गया और फिर क्रीपर भी गड्ढे में गिर गया और मेरी लंका लगा दिया। फिर मैं माइन में वापस गया और सारा सामान लेके बेस पे वापस आ गया। इसके बाद मैंने सारे आयरन को स्मेल्ट करने को रख दिया और सारे स्ट्रिंग का यूज करके वूल बनाया और उससे 2 बेड क्राफ्ट किया। अब फाइनली पूरे 18 दिन बाद हम लोग सो सकते थे। इसके बाद मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और उसे पहन लिया और उस रात हम लोग अपना पहला स्लीप लेते हैं। डे 19 को मैंने थोड़े से ट्री चॉप किया और फिर फार्मिंग किया और फार्मिंग एरिया को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और बहुत सारे ट्री सैपलिंग को प्लांट किया। अब हमें रहने के लिए घर चाहिए था। फिर मैं सारे आइटम को प्लेटफार्म के साइड में मूव करके ऑर्गेनाइज करता हूँ। इसके बाद मैं घर बनाने के लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया और इसी बीच मैं एक बार मर भी जाता हूँ और इस बार मैं फिर से मॉब के अंदर स्पॉन हो गया था। फिर अपने मजदूर वाले हाथ से स्टोन को तोड़ के नीचे आता हूँ। 1 टूट जा भाई। इसके बाद मैं मॉब फार्म को ठीक करता हूँ ताकि मैं फिर से इसमें स्पॉन न हूँ। अगले दिन मैंने बोलमिल का यूज करके ढेर सारे ओक ट्री ग्रो किया और उसको चॉप किया। इसके बाद मैं घर बनाना शुरू करता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा घर। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ी सी ग्लास की नीड है और अभी हमारे पास ग्लास है नहीं और अभी डेकोरेशन और लाइटिंग का भी काम रह गया है। फिर मैं शुगर कैन को फार्म किया और भाई के साथ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे काम किया और सारे क्रॉप को हार्वेस्ट करके भाई ने एक फार्मिंग एरिया बनाया था तो सारे सीड्स को वहाँ पे प्लांट कर दिया। अगले सुबह हम लोग फिर से आइलैंड पे डर्ट और सैंड कलेक्ट करने चले गए। सैंड ढूंढते ढूंढते हम लोग आइलैंड के दूसरे साइड आ गए और वहाँ पे भी एक संकन शिप था। इस शिप से मुझे एक और फूड सोर्स कैरेट मिला और एक और सस्पिशियस टू था, जो कि इतना सस्पिशियस था कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा सैंड कलेक्ट किया और थोड़ा सा डर्ट भी कलेक्ट किया और भाई को आइलैंड पे एक स्पाइडर स्पॉनर मिला था, तो मैं उसके ऊपर टार्च लगा देता हूँ। हम बाद में इसको एक्सपी फार्म बनाने के लिए यूज कर सकते थे। इसके बाद हमने बहुत सारा डर्ट माइन किया और इसी बीच एक इनविजुअल ट्रेडर आ गया, तो फिर मैं उसके लामा को भी इनविजुअल कर दिया। और इसके बाद हम लोग बेस पे वापस आ गए। वापस आके मैंने सबसे पहले बहुत सारे कैरेट ग्रो किया और सैंड को स्मेल करके ग्लास बनाया और हाउस को कम्प्लीट करना शुरू किया। इसके बाद हम लोग फिर से बेस को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। डे 34 को मैंने एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया और भाई ने जो ऑब्सिडियन लाया था उसको चोरी करके एक पोर्टल बनाया और पोर्टल को लाइट अप करके मैं नेदर नहीं गया, फिर से मजदूरी करने लगा। फिर मैं ये पता नहीं क्या कर रहा था। डे 35 को फाइनली हम लोग नेदर गए और नेदर में हमारा पोर्टल ही गायब हो गया। हम क्रिम्सन फॉरेस्ट में स्पॉन हुए थे और सामने ही हमारे बॉस्टन था। नेदर में हमें देखकर कुछ लोग तो पागल ही हो गए और कुछ लोग ये देख के जल भी रहे थे।
फिर मैं बास्टियन लूटने गया, वहाँ पे मुझे एक डायमंड का शवल मिला जिसमें मेंडिंग लगा था। फिर मैं ओवरवर्ल्ड में आया और वापस आके सबसे पहले मैंने शुगर को हार्वेस्ट करके बुक बनाया और एक इंचेंटिंग टेबल बनाया, लेकिन हमारे पास लेदर ही नहीं था तो हम इंचेंटमेंट टेबल को मैक्स नहीं कर सकते। फिर हम लोग माइनिंग से मिले सारे गोल्ड को स्मेल्ट किया और नेदर में जाकर लेदर के लिए पिगलिन से ट्रेड करने लगा, और इसी बीच एक हॉगलिंस पागल हो गया। मैंने भागने की बहुत कोशिश करी लेकिन अफसोस मैं बच ना सका। फिर मैं नेदर से अपना सारा सामान लेके वापस आया। ट्रेडिंग से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी लेकिन मेनली 21 लेदर और 9 एंडरपल था। 21 लेदर से मैं 21 बुक बनाया और 21 बुक से 7 बुक सेल्फ बनाया, फिर उसे प्लेस किया लेकिन फिर भी इंचांटमेंट टेबल मैक्स नहीं हुआ। डे 28 को मैं फिर से माइनिंग करने चला गया। इस बार मुझे बहुत सारे गोल्ड चाहिए थे और माइन में मुझे एक चिकन जॉकी मिला, तो मैंने जोम्बी को मार दिया लेकिन चिकन बच गया। तो मैं भाग के ऊपर गया और वीट सीड्स लेके आया और चिकन भाई को ढूंढने लगा। मैं पूरे माइन में पागलों की तरह ढूंढा लेकिन अफसोस चिकन भाई अब हमारे साथ नहीं थे। फिर मैं माइन करने लगा। डे 38 से 39 हो गया लेकिन मुझे एक भी गोल्ड नहीं मिला। बहुत देर बाद मुझे फाइनली एक गोल्ड मिला और डायमंड मिला। फिर मैं एक ही गोल्ड लेकर वापस आ गया। फिर मेरा ध्यान बैरल में रखे बुक पे गया जो कि हमें राफ्ट पे स्टार्टिंग में मिला था और उसमें एक कोऑर्डिनेट भी लिखा था। तो फिर हम लोग वहाँ जाने के डिसाइड करते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुझे एक और संकन शिप मिला जिसमें से मुझे बहुत अच्छी लूट मिली और एक दिन बाद फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर मैं माइन करके नीचे जाने लगा। मुझे नीचे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखता है और मैं ध्यान नहीं देता और गलती से लावा में गिर जाता हूँ, और मैं वाटर बकेट भी नहीं लाया था तो मैं उसी में जल गया। इसके बाद मैं फिर से वापस आया। भाई ने मेरा सारा सामान चेस्ट में रख दिया था तो मैं उसे ले लेता हूँ, और भाई माइन करके लाइब्रेरी ढूंढ रहा था लेकिन हमें लाइब्रेरी नहीं मिलता। शायद इस मैप में एक कस्टम स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर हम लोग बेस पे वापस आ गए। अब हमें एक एक्सपी फॉर्म चाहिए था क्योंकि मैं मरना तो नहीं बंद करने वाला है और ये मॉब फॉर्म बहुत ही स्लो है। फिर मैं सारे मटेरियल्स को कलेक्ट किया और आइलैंड पे चला गया और स्पाइडर स्पॉनर को एक्सपी फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा। स्पाइडर एक्सपी फॉर्म तो मैंने बना दिया था लेकिन बस वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो गया था, सारे स्पाइडर खुद से ही मर जा रहे थे। तो फिर मैंने उसको ठीक किया और ये अब ठीक काम कर रहा था। इसके बाद मैं वापस गोल्ड कलेक्ट करने के लिए माइनिंग करने चला गया ताकि मैं उसे पिगलिन से ट्रेड करके लेदर कलेक्ट कर सकूं और इंचेंटिंग टेबल को मैक्स कर सकूं। इस बार मुझे एक केव मिला जिसमें से मुझे कुछ गोल्ड और आयरन मिल गए। माइनिंग से वापस आके मैं गोल्ड का एक आर्मर बनाया और फिर मैं नेदर चला गया। नेदर में मैंने एक छोटा सा एरिया क्लियर किया और सेफ होने के लिए एक बंकर बनाया। इसके बाद मैं होलिंग्स को मार के लेदर कलेक्ट करने लगा। साथ में पिगलिन से ट्रेड किया। थोड़ी देर में मेरे पास 18 लेदर कलेक्ट हो गए। तो फिर मैं वापस आ गया और इंचेंटिंग टेबल को कम्प्लीट किया। फिर मैं एक सॉर्ड को बोन ऑफ आर्टोपोर्ट से इंचेंट किया और एक पिकैक्स में मुझे सिल्क टच मिल रहा था लेकिन मेरे पास एक्सपी ही नहीं था। फिर मैं स्पाइडर फार्म पे गया और थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट किया और पिकैक्स में सिल्क टच लगाया। इसके साथ ही मुझे इफिशियंसी और अनब्रेकिंग भी मिल गया। अब नेक्स्ट इंचेंटमेंट फॉर्चून 3 की थी जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। इसके बाद मैं फिर से एक्सपी फार्म पे गया और स्पाइडर को मार के एक्सपी कलेक्ट करने लगा और फॉर्चून 3 भी ले लिया। फिर मैं माइन में जाकर सारे डायमंड को माइन कर लेता हूँ। कुछ और भाई ने सिल्कटस से माइन किए थे तो मैं उसे भी फॉर्चून 3 से माइन कर लिया। इससे मुझे 71 डायमंड मिल गए थे। फिर मैं डायमंड के टूल्स और आर्मर बनाता हूँ और उसे इंचेंट करने लगा। ज़्यादा ओपी तो नहीं, बस एक बेसिक इंचेंटमेंट मिल गया। और इसके साथ ही मैं पावर 4 का एक बो भी बनाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा पावरफुल हो गया था तो मैं इतने सारे पावर का यूज बोन ब्लॉक को माइन करने में करता हूँ। क्यों करता हूँ मुझे नहीं पता, बस इसे तोड़ने की आवाज़ अच्छी लग रही थी। डे 56 हो गया था तो फिर हम लोग एल्डर मैन को मारने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी मैं मॉब फार्म के पास गया और तभी देखता हूँ कि फार्म में एक जोम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है। तो मैं फार्म को बंद करके उसे बाहर निकालता हूँ और हम उसे बोट में बैठा देते हैं। फिर मैं उसे लेकर घर के अंदर आने लगा ताकि वो धूप से ना मरे, और तभी वो मर गया। हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हम हक्के बक्के रह गए। बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मेरे चेस्ट प्लेट में थ्रोन लगा था और वो बोट पे मुझे मार रहा था तो उसे भी डैमेज लगा होगा। इतना बड़ा हादसा देखने के बाद हम लोग सो गए। सुबह हम फिर से ड्रैगन को मारने की तैयारी शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले हमें ब्लेज रॉड चाहिए था तो हम लोग नेदर में चले गए। बहुत देर तक हम लोग नेदर में घूमते रहे लेकिन हमें फोर्ट्रेस दिख नहीं रहा था, और फाइनली 2 दिन बाद हमें फोर्ट्रेस का वॉल दिखा। फिर हम लोग किसी तरह फोर्ट्रेस पहुंचते हैं और एक ब्लेज स्पॉनर मिला। तो फिर हम लोग ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने लगे। ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस आने लगे।
और तभी मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो हमने 21 ब्लेजरॉट कलेक्ट किया था और इस समय हम लोग वापस आ रहे थे। इसके बाद हम लोग वापसी का रास्ता ही भूल गए और बीच में हमारा मैटर भी हो गया। इसके बाद हम लोग 200 सेंचुरी बाद पोर्टल के पास पहुंचते हैं। हम लोग डे 63 को बेस पे वापस आ जाते हैं। फिर मैं फटाफट पोशन बनाना स्टार्ट करता हूँ और साथ में मैंने कुछ गोल्डन कैरेट भी क्राफ्ट किया। अब हम लोग एल्डरमैन की कुटाई करने के लिए रेडी हो गए थे। साथ में मैं कुछ फायरवर्क रॉकेट भी बना लेता हूँ। डे 65 को हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ निकल गए। फिर मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और सारे एक्स्ट्रा आइटम को चेस्ट में रख देता हूँ। वहीं पर रिस्पॉन्स सेट करके हम लोग इंड में चले गए। फिर हमने फटाफट सारे क्रिस्टल को फोड़ा और ड्रैगन की कुटाई करने लगे। ड्रैगन को हमने बहुत आसानी से हरा दिया और इसके बाद मैंने इसके अंडे को भी टपली मार के चोरी कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग इन डायमेंशन में चले गए। भाई को बिल्डिंग के लिए कुछ इंड स्टोन चाहिए था तो वो इंड स्टोन माइन करने लगा। मैं इलाइट्रा के लिए इंड सिटी ढूंढने निकल गया। थोड़ी दूर पे मुझे एक इंड सिटी मिला जो कि छोटा था, बहुत ही छोटा था। फिर मैं इंड में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक घूमता रहा। ऑलमोस्ट 2000 ब्लॉक ट्रेवल करने के बाद फाइनली मुझे एक और इंड सिटी मिला। पहले तो लगा इसमें भी इंड शिप नहीं है, लेकिन था। फिर मैं इंड सिटी को लूट करता हूँ और इसके बाद मैं फिर शिप पे चला गया और वहाँ पे सल्कर मार के इलाइट्रा ले लिया। वहाँ से मुझे 2 सिल्क टच वाले डायमंड पिकेक्स मिला जिसमें से एक में मेंडिंग भी लगा था। वहाँ से एक फुल सेट डायमंड का आर्मर, कुछ गोल्ड डायमंड और एक फॉर्चून 3 और मेंडिंग वाला आयरन पिकेक्स भी मिला। फिर मैं भाई के लिए भी एक इलाइट्रा लेने चला गया। एक और सिटी मिली तो मैं वहाँ से इलाइट्रा लिया और लूट किया और इसके बाद मैं फिर वापस आ गया। फिर मैं ड्रैगन आइलैंड पे थोड़ा सा ऑब्सीडियन माइन करने लगा क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था और भाई को वापस आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। और फाइनली डे 74 को हम लोग बेस पे वापस आ गए और हम लोग बेस पे बोट से वापस आ रहे थे। देखो, हमें पता है कि हमारे पास इलाइट्रा है और हम अमीर भी है, लेकिन इंसान को हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए, कभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इलाइट्रा है तो क्या हुआ, इसका मतलब हमेशा उड़ते रहेंगे। फिर मैं इलाइट्रा पहन के उड़ने लगा और फिर मैं इसीलिए नहीं उड़ रहा था। प्रॉब्लम यह नहीं कि मुझे इलाइट्रा यूज करना नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। इसके बाद मैंने अपना ओल्ड वाला आर्मर पहना क्योंकि मैं शायद इसी के लायक हूँ। मेरे पास इतना सारा एक्सपी था जिसका मैं यूज कर सकता था, लेकिन मैंने सारा लूज कर दिया। अब हमें बेस को बनाना था तो हम लोग काम शुरू करते हैं। तो फिर मैं एक सर्कल बनाना शुरू करता हूँ और बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया था। इससे अच्छा तो शायद LKG के बच्चे बना लेते हैं। फिर मैं उसे तोड़ के फिर से बनाया और फिर मैंने ये बनाया जो कि कुछ अजीब ही था, बट थोड़ा सा तो सर्कल जैसा लग रहा था। यदि तुम लोगों को नहीं लग रहा तो एज्यूम कर लो जैसा मैथ में करते थे। फिर हमने इंड स्टोन लिया और ओवरवर्ड में इंड वर्ड बनाने लगे। हमें लगा कि ये कूल लगेगा, लेकिन ये शायद उतना भी कूल नहीं लग रहा था। फिर मैं नेदर चला गया और वार्प फॉरेस्ट से बहुत सारे लॉग कलेक्ट करने लगा जिसका हमने बिल्ड में कभी यूज ही नहीं किया, बस इसमें टाइम बर्बाद किया। फिर मैं वापस आके और ट्री चॉप करता हूँ और एक और बड़ा सा सर्कल बनाने लगा। और इस बार मैंने ये बनाया था, ऐसा लग रहा था किसी ने इसको नशे में बनाया हो। फिर मुझे लगा कि शायद ये शेडर के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन अभी भी ये उतना ही घटिया लग रहा था। अब हमें सर्कल को फिल करने के लिए बहुत सारे डर्ट चाहिए थे। फिर मैं सल्कर बॉक्स से दोनों डायमंड वाला सवल लिया जिसमें एक में मेंडिंग लगा था और एक को मेंडिंग चाहिए था, लेकिन अच्छी बात थी कि मुझे बॉस्टन से एक सवल मिला था जिसमें मेंडिंग था। दोनों को कंबाइन करने पे एक ओपी वाला सवल हो जाता, तो फिर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। फिर हम लोग आइलैंड पे गए और वहाँ पे बहुत सारे हमने डर्ट माइन किया और इसके साथ ही थोड़े से ग्रास ब्लॉक को भी कलेक्ट किया। हमें 2 सल्कर बॉक्स से ज़्यादा डर्ट और ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट किया और फिर वापस आके प्लेटफार्म को फिल करने लगे। डे 96 तक हमने प्लेटफार्म को फिल कर दिया था। सर्कल कुछ ज़्यादा ही बड़ा था तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम तो मैं कह रहा था कि हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने बीच वाले प्लेटफार्म के सारे ट्री को रिमूव कर दिया जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। इसके चारों ओर हम लोग अलग अलग टाइप के बायोम बनाने वाले थे। इसके बाद हम लोगों ने एक तरफ रेड मशरूम प्लांट कर दिया।
इसके बाद मैं देखता हूँ कि मॉब फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, तो मैंने क्योर करने के लिए फटाफट एक वीकनेस पोशन बनाया और एक गोल्डन एप्पल बनाया। उस पर पोशन फेंक के मैंने गोल्डन एप्पल उसको दे दिया। फिर मैं नेदर चला गया और वहाँ से मैंने थोड़े से क्रिम्सन लाइनियम कलेक्ट किया और तब तक ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो गया था। फिर मैं वार्प फॉरेस्ट में गया और वहाँ से थोड़े से वार्प लाइनियम को कलेक्ट किया। फिर वापस आकर सबसे पहले विलेजर के दर्शन किया। इसके बाद मैं उसे अपने घर में ले गया। अभी इसके लिए घर बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो अभी के लिए हमारे ही घर में रहेगा। इसके बाद हम लोग फिर से बेस कंप्लीट करने लगे। इसके बाद मैंने देखा कि मॉब फार्म के अंदर दो और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुए थे, तो मैं उन्हें भी क्योर करना चाहता था, लेकिन हमारे पास गोल्ड ही नहीं था। बहुत ही ढूंढने के बाद मैं किसी तरह एक ही गोल्डन एप्पल बना पाया, तो फिर मैं एक ज़ॉम्बी विलेजर को मार दिया और एक को क्योर कर लेता हूँ। हमारे पास एक विलेजर पहले से ही था, तो अब हम लोग इनका ब्रीडिंग भी करा सकते थे। फिर हम लोग बिल्ड को कम्प्लीट करने लगे। बीच वाले प्लेटफार्म के दोनों साइड हमने वार्प फॉरेस्ट बना दिया और पीछे की साइड हमने एक क्रिम्सन फॉरेस्ट बना दिया। बाहर वाले प्लेटफार्म पर हम लोग ओवरवर्ल्ड के अलग अलग बायोम बनाने वाले थे, तो मैं ट्री प्लांट करने लगा। स्प्रूस और ओक के अलावा अदर ट्री के सेपलिंग हमारे पास ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग सेपलिंग कलेक्ट करने लगे। इसके लिए मुझे एक बार और नेदर जाना पड़ा और वहाँ से मैंने बहुत सारे बोन ब्लॉक माइन किया। वापस आके हम लोग फिर से सेपलिंग कलेक्ट करने लगे। जब हमारे पास इनफ सेपलिंग हो गया तो फिर हम लोग उसे प्लांट करने लगे। बीच में तो ये जंगल सेपलिंग नशे कर लिया, उसे प्लांट करके मैं बोनमिल से उसे ग्रो करने लगा। मैंने ऑलमोस्ट 2 स्टैक बोनमिल यूज किया, लेकिन वो ग्रो ही नहीं हो रहा था, तो मैं फिर उसे छोड़ के चला गया और दूसरे ट्री को प्लांट करने लगा। और इसी के साथ हमारा बेस कंप्लीट हो गया था और वो दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। अब बस एक लास्ट काम रह गया था, मुझे एक फिशिंग पोर्ट बनाना था, क्योंकि हम लोग ओशन के अंदर थे और ये सेंस भी बनता था, तो मैं फिशिंग पोर्ट बनाने के लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट किया और पोर्ट बनाना शुरू कर देता हूँ। और भाई सारे रास्ते को ठीक करके उस पर टार्च लगा देता है। और फाइनली इसी के साथ हमारा बेस कंप्लीट हो गया। हमें इसे कंप्लीट करने में 100 डेज से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, पीस आउट।